एक तरफ कह रहे हैं कि मैं आतंकवादी हूँ और दूसरी तरफ कह रहा है कि आरएसएस का एजेंट हूँ, तो फिर तो सारी आरएसएस भी आतंकवादी है। एक तरफ कह रहे हैं मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ, तो फिर तो सारी कांग्रेस भी आतंकवादी है। एक तरफ कह रहे हैं मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, तो कह रहे फिर तो सारी बीजेपी भी आतंकवादी है। मतलब मेरे को, लेकिन इस बात की, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, मेरे को चिंता इस बात की है कि इन्होंने देश की सुरक्षा को कॉमेडी बना के रख दिया है। 7 साल से, 10 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आतंकवादी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री देश के टुकड़े करने की प्लानिंग कर रहा था, और किसी एजेंसी को पता नहीं चला। उन्होंने, सारी एजेंसीज ने मेरे घर पे रेड मार ली, मेरे दफ्तर पे रेड मार ली, उनको कुछ नहीं पता चला। एक दिन एक कवि ने उठ के एक कविता सुनाई और तब देश के प्रधानमंत्री को अचानक समझ में आया, अरे बाप रे, इतना बड़ा आतंकवादी देश का, देश के, मेरे मेरे शहर में रह रहा था, मेरे को पता ही नहीं चला। जो भला उस कवि का जो उसने कविता लिख दी, वो कविता नहीं लिखता तो फिर तो किसी को पता ही नहीं चलता इस देश में। पिछले 10 साल में, 7 साल में, जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने मेरे घर पे, मेरे दफ्तर पे दिल्ली पुलिस की रेड कराई, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे पे इनकम टैक्स की रेड कराई, ईडी की रेड कराई, सारी एजेंसीज की रेड कराई, मेरे दफ्तर में, मेरे बेडरूम तक पहुंच गए, किसी भी एजेंसी को कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के दो टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइयो और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो इसने जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है, ये नौटंकी बना दी है इन लोगों ने। देश की सबसे बड़ी दो पार्टियां, नेशनल पार्टियां, उनके टॉप के नेता मिलके देश की सुरक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह से देश की सुरक्षा के ऊपर को डील किया जाता है। आतंकवादी दो किस्म के होते हैं, एक वो आतंकवादी होते हैं जो जनता में खौफ फैलाते हैं, और एक वो आतंकवादी होते हैं जो भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाते हैं। आज ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर लुटेरे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, और ये मिलके, इनको इनको मेरे से डर लग रहा है। एक तरह से इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूँ, जनता के लिए तो मैं स्कूल बनवाता हूँ, जनता के लिए अस्पताल बनवाता हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूँ। इन लोगों को रात को नींद नहीं आती, सोते हैं तो इनके सपने में आता हूं मैं। सर ये 100 साल पहले भगत सिंह पैदा हुए थे, भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था। मैं भगत सिंह को बहुत मानता हूं, मैं अपने आप को भगत सिंह का चेला मानता हूं। देश जानता है कि भगत सिंह जैसा कट्टर देशभक्त कोई नहीं था। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था, और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जनता देख रही है कि असलियत क्या है। मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, और सारे ये क्या कह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के दो टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के दो टुकड़े करेंगे, और उसे उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है, ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के दो टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ इनकी, ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी पिछले 10 साल में? 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वालों ने क्या किया, सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, मोदी सरकार है, मोदी जी ने क्या किया, मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे
स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा।